सांवेर तहसील के ग्राम सोल सिंघा के रहने वाले काश्तकार किसान कमल सिंह पवार और लाखन सिंह पवार ने अपनी बेटी की शादी की तो देवास के बारोड पिपलिया के रहने वाले उनके समधी शेर सिंह पवार ने दहेज लेने से इनकार कर दिया। जहां कमल सिंह और लाखन सिंह ने प्रण लिया कि हम दहेज नहीं दे रहे हैं तो भविष्य में परिवार के लड़कों की शादी में हम भी दहेज नहीं लेंगे। ऐसी प्रेरणा के साथ दहेज प्रथा के खिलाफ सांवेर तहसील में बिगुल बज चुका है। इस दौरान कमल सिंह ने कहा कि बेटी रानू कंवर और कुलदीप सिंह के विवाह की बात के दौरान उन्होंने शादी के समय 11 लाख नकद और कुछ ज्वेलरी और अन्य सामग्री दहेज में देने का प्रस्ताव रखा तो बारोड पिपलिया देवास के रहने वाले उनके समधी जी ने सब कुछ लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और बोले कि हम सिर्फ लक्ष्मी रूप कन्या आपके घर से ले जाएंगे। वहीं भावुक होते हुए कमल सिंह ने भी रिश्ते को मंजूरी दे दी और दोनों परिवार ने दहेज प्रथा के खिलाफ जंग छेड़ दी। वहीं बिना दहेज के विवाह समारोह में कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी हुआ जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए। आप समाज के पदाधिकारी हैं और आप सम्मान भी कर रहे हैं, आप इनका दहेज प्रथा को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है इस तरह से, तो क्या किस तरह से देखते हैं आप इसको? जो सर्व समाज है राजपूत समाज, उसमें बहुत सारे पंथ बने हुए, हम अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा तरफ से हैं, तो हम पूरी समाज को, सर्व समाज को, जो राजपूत समाज है उसमें जो ये दहेज प्रथा है इसको बंद करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। उसमें थोड़े समय बाद, तकरीबन दो महीने के बाद हम इसका एक वो बायलाज बनाएंगे, हाँ कुछ बनाना जा रहे हैं, जो जिले से कार्रवाई होगी और वो हमको वहाँ से बताएंगे, वो कार्य करेंगे हम। पर अभी फिलहाल हमारे दाई जी साहब ने ये लाखन सिंह जी और कमल सिंह जी, इनके जो समधी जी है देवास बारोड पिपलियाल है, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और उससे हमारी सर्व समाज को सराहना मिलती है और एक उदाहरण भी है ये कि इस प्रकार दहेज को बंद किया जाए। और जो अभियान चला रही है पूरी समाज, उसमें सराहनीय कदम है ये, उसके लिए हम सब इनका धन्यवाद अदा करते हैं और सर्व समाज इनको सम्मानित करेगी, मंच पे ले जाएंगे। और हमारा हर वर्ष महाराणा प्रताप की जो रैली या कार्यक्रम रखते हैं उस समय भी हम इनको सम्मानित करेंगे। अच्छा, बात देखने में आता है कि दहेज को लेकर कई जगह विवाह टूट जाते हैं, लड़कियों आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है, कई जगह जान चली जाती है महिलाओं की, बच्चियों की, तो आप एक समाज के पदाधिकारी हैं, किस तरह से देखते हैं और इस प्रथा को आगे बढ़ाने में किस तरह से सहायता मिलेगी उन लड़कियों? हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो लालची है या कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, वो किसी भी लड़की को अपनी बच्ची की तरह अपनाना नहीं चाहते, बल्कि उस लालच में लुप्त हो जाते हैं पैसे के या दहेज के। उस कारणवश हमारी बच्चियों के साथ जो कुकर्म किए जाते हैं या कुछ गलत किया जाता है, उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये दहेज प्रथा बंद करनी चाहिए और होनी चाहिए, यह ज़रूरी है। जो राजपूत समाज पे एक दंश की तरह है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, और जो पुराने लोगों ने किया था ये सिर्फ जो भी प्रथा थी बाकी गलत थी, इसको रोकने के लिए जो सर्व समाज राजपूत समाज जो कदम उठा रही है, और उसमें हमारे कमल सिंह जी लाखन सिंह जी ने जो मदद की है उसकी हम सराहना करते हैं। और जो हमारी बच्चियों को इस कुप्रथा से दिक्कतें हो रही है और तकलीफें हो रही है उससे निजात दिलाने के लिए हम ये पहल कर रहे हैं और कदम उठा रहे हैं। आपका परिचय? धन सिंह तंवर, बालोदा टाकोन, तहसील सांवेर का अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा। गांधी जी से हमारी चर्चा हुई थी ये दहेज के मामले में, उनको बोला भी सही हमने कि बोले आप गाड़ी और दहेज का जो भी सामान है उसके 11 लाख रुपए आपको नकद दे दें, तो भी उनने मना कर दिया, बोले ये पैसे हम मंदिर में दे के आ जाएंगे, बाकी हम हमारी बेटी के अलावा कुछ नहीं लेंगे, हम बहू नहीं ला रहे, बेटी ला रहे हैं बोले साथ में। आपके घर भी अब लड़कों की शादी होगी तो यही पहल चलाएंगे भैया हम भी, और हमारे भी दो लड़के भी बाकी हैं शादी के, बाकी हम कुछ भी एक रुपये भी दहेज में नहीं लेंगे। आपके समाज के अन्य लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह संदेश देना चाहेंगे आप? सभी समाज जन से यही संदेश देना चाहूँगा मैं, और हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि इस दहेज रूपी रावण को जड़ से ख़त्म कर दे इस चीज़ को, ताकि कोई भी गरीब परिवार हो या अमीर परिवार हो या कोई कैसी भी बेटियों को तकलीफ ना हो,
और ये दहेज रूपी रावण खत्म हो गया, समाज सुधरेगा। आपका नाम? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला उपाध्यक्ष कमल सिंह पवार।